हादसों को हम अक्सर दो वजहों से याद रखते हैं। एक वजह है दुर्घटना की भयावहता, दूसरा कारण उनमें शिकार हुए लोग होते हैं। इन दोनों वजहों से हमें कुछ घटनाएं याद रहती हैं, जैसे 22 जून 2023 की वह घटना जिसमें एक सबमर्सिबल यानी पनडुब्बी में सवार 5 अमीरों की मौत की खबर आई थी। तब पूरी दुनिया को पता चला था कि खबर आने से 4 दिन पहले यानी 18 जून को अटलांटिक महासागर में टाइटेनिक जहाज का मलबा दिखाने ले गई सबमर्सिबल टाइटन एक हादसे का शिकार हो गई है। समुद्र के भीतर करीब 4000 मीटर नीचे भीषण दबाव के बीच हुई इस दुर्घटना की भयावहता ये है कि इसमें मारे गए 5 यात्रियों के शव तक नहीं मिल सके। समुद्र से निकाले गए सबमर्सिबल के टुकड़ों से कुछ मानव शेष मिलने की बात जरूर कही गई, लेकिन कोई बॉडी इतने गहरे समुद्र से नहीं निकाली जा सकती, इस बारे में एक्सपर्ट्स ने पहले ही बता दिया था। कहा यह भी गया कि सबमर्सिबल के फटने के कारण किसी का शरीर साबुत बचा ही नहीं होगा। हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि इसमें मारे गए लोगों के परिवार वाले अपने प्रियजन का पार्थिव शरीर तक नहीं देख पाए। वैसे तो दुर्घटना में मारे गए इन लोगों से हम सभी की हमदर्दी है, पर इनमें एक शख्स ऐसा है जिसे भारत समर्थक कहा जाता है। खास तौर से भारत के चीता प्रोजेक्ट में जिस तरह की मदद इस शख्स ने की थी, उसे देखते हुए इस हस्ती की मौत भारत के लिए एक झटका है। सबमर्सिबल टाइटन और इसकी कंपनी ओशन गेट के अलावा सबसे ज़्यादा चर्चा टाइटेनिक का मलबा देखने गए 5 टूरिस्टों की हुई है। मारे गए पैसेंजरों में से एक तो खुद ओशन गेट कंपनी के संस्थापक और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO स्टॉकटन रश थे। स्टॉकटन ही इस पनडुब्बी को ऑपरेट कर रहे थे। वो गहरे समुद्र में काम करने के महारथी थे, साथ ही उनका एक रिश्ता डूबे हुए मशहूर जहाज टाइटेनिक से भी था। असल में स्टॉकटन रश की पत्नी वेंडी के परदादा इसिडोर स्ट्रॉस और परदादी इडा स्ट्रॉस ने 1912 में टाइटेनिक से यात्रा की थी। वो दोनों टाइटेनिक के फर्स्ट क्लास के पैसेंजर थे। उस वक्त ये दोनों उन सबसे अमीर लोगों में से थे जो टाइटेनिक पर सवार हुए थे। इसिडोर स्ट्रॉस मैसीज डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक थे। सन 1986 में इसी कपल यानी स्ट्रॉस दंपति की पोती वेंडी की शादी स्टॉकटन से हुई थी। ये भी उल्लेखनीय है कि वेंडी ने खुद 3 बार ओशन गेट के एक्सपीडिशंस में हिस्सा लिया था। स्टॉकटन से पहले वेंडी 2021 और 2022 में 2 बार टाइटेनिक का मलबा देखकर आ चुकी हैं। वेंडी खुद भी टाइटन नामक सबमर्सिबल की कंपनी ओशन गेट की कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं। इस स्टॉकटन के अलावा पनडुब्बी में 4 अन्य अरबपति टूरिस्ट थे जिन्होंने इस यात्रा के लिए करोड़ों रुपए चुकाए थे। इसके दूसरे नंबर के पैसेंजर अंडर वाटर रिसर्च की दुनिया के जाने पहचाने शख्स पॉल ऑनरी नॉर्जिलेट थे। नॉर्जिलेट ने टाइटेनिक के अवशेषों को खोजने वाले अभियानों की अगुवाई की थी। वो फ्रांस की सेना के कमांडर रह चुके थे। साल 1986 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सी से जुड़ने के बाद उन्होंने ही पहली बार 2010 में टाइटेनिक का सर्वे मैप बनाया था। इस मैप के लिए उन्होंने हाई रेजोल्यूशन सोनार टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उनके अलावा 2 यात्री पाकिस्तानी मूल के थे, 48 साल के शहजादा दाऊद और साथ में उनका 19 साल का बेटा सुलेमान भी इस हादसे का शिकार हो गया। टाइटन के 5वें पैसेंजर थे संयुक्त अरब अमीरात के निवासी 58 साल के हामिश हार्डिंग, जिनकी खास चर्चा हम ट्यूब न्यूज़ के इस अंक में करने वाले हैं। हार्डिंग की दुखद मौत का जो कारण विकिपीडिया ने दर्ज किया है, उसमें साफ लिखा है कि उनकी मृत्यु टाइटन सबमर्सिबल के इम्प्लोजन की वजह से हुई। हार्डिंग का पूरा नाम जॉर्ज हामिश लिविंगस्टन हार्डिंग था। हार्डिंग ने 18 जून 2023 को ये ट्वीट किया कि मुझे ये ऐलान करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ओशन गेट की सबमर्सिबल से RMS टाइटेनिक के मिशन पर जा रहा हूँ। उस वक्त किसी को ये गुमान नहीं था कि इस यात्रा के साथ ही उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। हार्डिंग दुबई में ज़रूर रहते थे, लेकिन उनकी गिनती ब्रिटिश अरबपतियों में होती रही है। वजह यह है कि हार्डिंग का जन्म लंदन के हैमरस्मिथ में 24 जून 1964 को हुआ था। स्पेस और एविएशन सेक्टर में दिलचस्पी रखने वाले हामिश संयुक्त अरब अमीरात स्थित कंपनी हार्डिंग एक्शन ग्रुप के फाउंडर और एक्शन एविएशन के चेयरमैन थे।
वह एक खोजकर्ता और साइंटिस्टों के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल क्लब दी एक्सप्लोरर क्लब के सदस्य भी थे। कई बार दक्षिणी ध्रुव का दौरा करने वाले हार्डिंग समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट मारियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक उतरे थे। उन्होंने स्पेस की यात्रा की थी। हार्डिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 अलग अलग कीर्तिमानों के लिए दर्ज है। एक रिकॉर्ड वह है जिसमें अपनी टीम के साथ हार्डिंग ने 2019 में पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को कवर करते हुए हवाई जहाज से सबसे तेज महज 46 घंटे 40 मिनट में ये दूरी तय की थी। असल में हार्डिंग चंद्रमा पर इंसान के कदम रखने की अभूतपूर्व उपलब्धि से काफ़ी प्रेरित थे। वह खुद भी ऐसा ही करिश्मा करना चाहते थे ताकि दुनिया के इतिहास में उनका नाम अमर हो जाए। हार्डिंग का आरंभिक बचपन हांगकांग में बीता था, जो उस समय क्राउन कॉलोनी था। वहाँ सन 1969 में अपने माता पिता के साथ टीवी पर प्रोग्राम देखते हुए हार्डिंग ने चंद्रमा पर अपोलो 11 की लैंडिंग देखी थी, जिससे वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे। शायद यही वजह है कि जुलाई 2019 में चंद्रमा पर इंसान के पहुंचने यानी अपोलो 11 मिशन के 50 साल पूरे होने का जब जश्न मनाया जा रहा था, तो हार्डिंग ने उसी दौरान गल्फ स्ट्रिंग G650ER विमान से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को कवर करने वाला पृथ्वी का चक्कर लगाया था। हार्डिंग ने एक मशहूर पायलट टेली वेट्स के साथ एविएटर्स यानी विमान उड़ाकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने 9 से 11 जुलाई 2019 के बीच 46 घंटे और 40 मिनट में गल्फ स्ट्रीम विमान से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को छूते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। विमान ने अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से शटल लैंडिंग फैसिलिटी से उड़ान भरी थी। वापसी में भी विमान यहीं उतरा। ये उड़ान वन मोर ऑर्बिट मिशन के तहत आयोजित की गई थी। हार्डिंग ने गल्फ स्ट्रीम G650ER नाम के जिस विमान से पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की यात्रा की थी, उसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। दावा है कि दुनिया के नंबर वन अमीर टेस्ला और ट्विटर के मालिक ईलान मस्क भी इसी विमान का इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में ट्विटर पर एक्टिव रहने वाले जैक स्वीनी ने जो जानकारी जुटाई है, उसके मुताबिक मस्क के विमान के बेड़े में उनके निजी जेट कॉल साइन और गल्फ स्ट्रीम G650ER शामिल हैं। इस विमान बेड़े ने 2022 में कुल 134 उड़ानें पूरी की थी। गल्फ स्ट्रीम G650ER की एवरेज स्पीड ध्वनि की रफ्तार के लगभग बराबर है। बेहद आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बिजनेस विमान एक बार ईंधन भरने के बाद 13,000 किलोमीटर की दूरी इस तेज़ रफ्तार यानी ध्वनि की गति से तय कर सकता है। इतनी ज़्यादा स्पीड और शानदार सुविधाओं वाले इस विमान की कीमत करीब $6 करोड़ यानी करीब 4,900,000,000 रुपये होती है। अब लौटते हैं हार्डिंग के दूसरे रिकॉर्ड की तरफ। हार्डिंग का दूसरा गिनीज रिकॉर्ड 2021 में समुद्र में हजारों मीटर नीचे मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु की यात्रा करने के लिए है। असल में 5 मार्च 2021 को हार्डिंग ने एक अन्य शख्स विक्टर वेस्कोवो के साथ पनडुब्बी में करीब 11,000 मीटर या कहें कि 36,000 फीट की गहराई पर मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक गोता लगाया था। समुद्र में सबसे ज़्यादा गहराई तक गोता लगाने के लिए हार्डिंग और वेस्कोवो का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि इस मिशन के दौरान हार्डिंग का 13 साल का बेटा गिलिस पनडुब्बी के सपोर्ट शिप DSSV प्रेशर ड्रॉप पर मौजूद था। साल 2022 में अमेजन के जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजन की स्पेस फ्लाइट के 6 मेंबर्स में से हार्डिंग भी एक थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज ये उनका तीसरा कीर्तिमान है। हार्डिंग ने 4 जून 2022 को ब्लू ओरिजन के NS-21 मिशन पर न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस की उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष की कामयाब यात्रा करने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष पर्यटकों को अंतरिक्ष यात्री कहे जाने की वकालत की थी। इन रिकॉर्ड से जोखिम वाली यात्राओं को लेकर हामिश हार्डिंग के जुनून का पता लगता है। लेकिन हार्डिंग की सबसे अनोखी बात भारत को लेकर उनके लगाव से संबंधित है। भारत से उनका जुड़ाव कितना गहरा था, यह इससे पता चलता है कि जब भारत में दिवाली मनाई जाती तो हार्डिंग उसकी बधाई देते। असल में उन्हें भारत का दोस्त और समर्थक माना जाता था। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों के मामले में भी हार्डिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हार्डिंग ने नमीबिया से भारत तक चीते भेजने में मदद की थी।
सितंबर 2022 में हार्डिंग की विमानन कंपनी एक्शन एविएशन ने नामीबिया से भारत में 8 जंगली चीतों को ले जाने के लिए अपना बोइंग 747-400 विमान दिया था, ताकि भारत सरकार और नामीबिया में चीता कंजर्वेशन फंड की भारत में चीतों को बसाने वाली परियोजना को शुरू किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोरर्स क्लब ने फ्लैग्ड कैंपेन घोषित किया था, जिसमें क्लब के सदस्य हार्डिंग और चीता कंजर्वेशन फंड के फाउंडर लारी मार्कर भारत की उड़ान में फ्लैग लेकर गए थे। इसके लिए खुद हार्डिंग पहले तो यूएई से बोइंग 747 विमान से नामीबिया पहुंचे थे। इस विमान पर भारत भेजे जाने वाले चीतों को रखा गया था। वहाँ इन चीतों को अफ्रीका से भारत तक सुरक्षित लाने की तैयारी की गई थी। चीतों को भारत लाने से जुड़े एक वीडियो में हार्डिंग ये कहते नजर आते हैं, हम अभी विंडहोक नामीबिया में हैं, हम बोइंग 747 विमान से पहुंचे हैं, हम सभी चीतों को 48 घंटों में लोड किए जाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। हम अभी इस बात की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि किस तरह चीतों से भरे हुए बॉक्स को दरवाजों के जरिए जहाज पर रखा जाएगा। भारत में जब कभी चीतों का नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा, हार्डिंग का नाम इस कैंपेन के मददगार के रूप में जरूर दर्ज किया जाएगा। आखिर जिस तरह का जुनून चीतों को बसाने को लेकर भारत में दिखाया जा रहा है, कुछ वैसा ही जुनून तमाम साहसिक अभियानों में हामिश हार्डिंग हमेशा दिखाते थे। धन्यवाद।